ये मेरे पास डिमांड कर वे फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल इज इक्वल टू पी एम तो ये जो आपके पास एरिया होगा बिलो द डिमांड कर एंड अबव टू द मार्केट प्राइस इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कंज्यूमर सरप्लस अगर मैं अब यहां पे ये जो शेडेड एरिया है दिस शेडेड एरिया इनफैक्ट डिनोट्स कंज्यूमर सरप्लस अब इसी पैटर्न पर अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं अबाउट प्रोड्यूसर सरप्लस तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए मुझे आई हैव टू आई हैव टू शो हेयर अ सप्लाई कर किस चीज की सप्लाई है अगेन दिस इज दप्लाई ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर सरप्लस को हम डिफाइन करते हैं दिस इज एरिया दैट लाइज बिलो टू मार्केट प्राइस बट अबव टू सप्लाई कर अब उस चीज के लिए भी यहां पे क्या है कि मेरे पास ये जो एक सा शेडेड एरिया है इट बेसिकली डिनोट्स प्रोड्यूसर सरप्लस और दब अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या होगा दैट इज टोटल इकोनॉमिक सरप्लस और ये अगेन ये जो अभी हमने शेड किया है ये बेसिकली था प्रोड्यूसर सरप्लस हां जी प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों था कि दिस इज द एरिया दैट लाइज बिलो टू मार्केट प्राइस बट अबव टू सप्लाई कर्व और ये जिसको अब मैं शेयर कर रहा हूं ये क्या था दिस इज कंज्यूमर सरप्लस द एरिया दैट लाइज बिलो टू डिमांड बट अब मार्केट प्राइस और एज अ होल अब ये भी क्या है एक एक मेरे पास एक बड़ी बन गई और इस ट्राइंगल का ये जो टोटल एरिया है इट बेसिकली बेसिकलीस टोटल इकोनॉमिक सरप्लस दिस इज द टोटल इकोनॉमिक वेलबींग वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल जब इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो इट बेसिकली डिनोट्स द टोटल इकोनॉमिक सरप्लस अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इकोनॉमिक वेलबींग ऑन द टोटल इकोनॉमिक सरप्लस हम पहले कुछ इस पैट पर जूम करते हैं कि देयर इज एन ओरिजिनल सप्लाई कर्व जिसको हम डिनोट करें विद एस ओ के साथ और वहीं पे मेरे पास एक ओरिजिनल डिमांड कर्व भी है जिसको हम डिनोट करें विद डी हाँ जी विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिनल सप्लाई कर्व एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व तो मेरे पास आपके पास मेरे पास यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे होगा ए बी सी यहाँ पे मैं डिफरेंट जो आपके पास आप कह लें ब्रेकअप्स हैं इस डायग्राम में मैं उन सबको मैंने कोई अल्फाबेट्स असाइन कर दी हैं कि इफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज एस ओ एंड डिमांड इज डी तो मेरे पास जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस होगा दैट इज ए बी एंड सी और अगर मैं यहां पे इसी रेफरेंस में प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो मेरे पास होगा डी एंड सी दीज आर द प्रोड्यूसर सरप्लस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल सप्लाई कर अब अगर हम यहां पे बात करें कि देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई तो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन सप्लाई सप्लाई कर विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड जी ये शिफ्ट करगी फ्रॉम एसओ टू एस वन बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट इन सप्लाई कर फ्रॉम एसओ टू एस वन देयर इज चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अब यहां पे अंडर न्यू मार्केट कंडीशन जो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस होगा वो सिर्फ होगा आपके पास एरिया दैट वी आर डिनोटिंग विथ ए और अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो वहां पे जो मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस होगा विद रेफरेंस टू न्यू कर वो मेरे पास होगा बी प्लस डी अब बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई देयर इज डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल सप्लाई कर हां जी डिक्रीज यहां पे क्या है इन कंज्यूमर सरप्लस इस केस में डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस हुआ जिसको हम डिनोट कर सकते हैं विद बी प्लस सी के साथ और जो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज हुआ यहां पे उसको हम डिनोट कर सकते हैं विद ई e. अब एक चीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई देयर इज डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस देयर इज डिक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस देर इज ऑल्सो डिक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक सरप्लस देर इज डिक्रीज इन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सरप्लस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन दार्केट अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो हम एक चीज यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल इकोनॉमिक सरप्लस इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स डिक्रीजेस इफ सप्लाई कि अगर सप्लाई आपकी अपवर्ड शिफ्ट कर जाए अगर आपकी सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए तो उसकी वजह से क्या होगा आपका टोटल इकोनॉमिक सरप्लस डिक्रीज कर जाएगा और मैं अदरवे की बात कर दूं कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन सप्लाई सप्लाई कर विल शिफ्ट राइटवर्ड सप्लाई कर विल शिफ्ट डाउनवर्ड जब वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस और जब वो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा देर इज इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक सरप्लस देयर इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट